तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और यहाँ से हम क्या करेंगे कि आप लोगों के जो हिंदी चैप्टर है यानी क्लास 12 के, तो ओकरा में हमने के देखल जाए राइटर नेम का ट्रिक। समझिए कि एक हमने के ट्रिक से याद आज कर ही ले एक बार, चाहे कितनों प्रॉब्लम आज हमने के हुई। जैसे आप लोगों के लिए हम यहाँ लिखे भी हैं कि पद खंड के सभी पाठ के लेखक का नाम ट्रिक से याद करा जाए। बिल्कुल एकदम ट्रिक से बाबू, आप लोग एकदम समझिए ना कि खून में दौड़ लगेगा आज यह वीडियो देखने के बाद। पूरा समझिए कि 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, आप लोग देखिएगा पूरा समझिए कि याद ना हो जाएगा ना तब कहेगा सर याद नहीं हुआ है। तो पूरा चलिए यहाँ पर आपको सिखाते हैं ट्रिक से कैसे इसको याद करना है। देखिए क्या है, कड़बक, कड़बक यानी का कि कंकड़, कड़बक यानी का कंकड़, समझिए कंकड़। तो कंकड़ कैसा रहता है, पत्थर का, तो पत्थर में कौन रहते हैं, भगवान, ठीक है ना, क्या रहते हैं, पत्थर में भगवान रहते हैं। तो सब कोई भगवान को क्या कहता है, मालिक। और क्या है, मुहम्मद, मतलब कि मुहम्मद मतलब जो मुस्लिम लोग होते हैं वो भी भगवान को क्या कहते हैं, मालिक कहते हैं। तो याद हो गया ना कि कड़बक, कड़बक यानी का कंकड़, कंकड़ कैसा होता है, पत्थरे का ना हो मतलब होला, अब पत्थर में कौन रहते हैं, भगवान, तो भगवान को क्या कहते हैं हम लोग, मलिक। और मुहम्मद यानी मुस्लिम लोग भी क्या कहते हैं उसको, भगवान मानते हैं। अब यहाँ देखिए 2 नंबर में क्या है, पद। अब देखिए इस पद में क्या है और इस पद में क्या है ना कि दोनों एक ही है, ठीक है ना, एकरे के पहचानल जी कैसे यही समझना है कि 2 और 3 वाले जो पद हैं इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, चाहे तो लोग के भाषा में कि पहचानल जाए कैसे, एकदम सिंपल भाषा में आप लोग मतलब कि समझिए। यहाँ क्या है कि सूरदास, ठीक है ना, तो सूरदास जो लिखे हैं ना तो ये लिख ले भगवान कृष्ण जी के बारे में, क्या लिखे भगवान कृष्ण जी के बारे में, तो कृष्ण जी के बारे में लिखे हैं तो यह क्या हो गया, सूरदास। और कृष्ण जी जो हैं उनको आप लोग देखें ना जब बांसुरी बजाते हैं तो कितने मधुर मतलब कि एकदम बहुत ही प्यारे बजाते हैं, तो जो उनका सुर है बहुत ही क्या है, बढ़िया है। और उनके पास क्या है, बहुत सारे नौकर हैं यानी दास हैं, दास मतलब क्या, सेवक, तो उनके पास क्या है, बहुत सारे सेवक हैं और उनका सुर भी क्या है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना, गाते क्या है, उगावेलन बहुत बढ़िया, यानी गाते भी हैं क्या है, बहुत बढ़िया गाते हैं। तो यह हो गया पद, लेकिन यह पद पहचानल जी कैसे, तो देखिए इसको बांटिए, कृष्ण जी के पास क्या है, सुर है, कृष्ण जी के पास का बा, सुर बा, और उनके पास क्या है, दास है यानी सेवक है, तो सुर है दास है मतलब क्या है, दो गो चीज़ है मतलब क्या कि दुसारका पद के क्या है, लेखक है, ठीक है ना, मतलब कि दुसारका वाला के, याद हो गया होगा। अब आइए तीसारका नंबर क्या है, पद। अब देखिए तुलसीदास, जो तुलसीदास लिखे हैं ना यह लिखे हैं राम जी के बारे में, ठीक है, यह क्या लिखे हैं, राम जी के बारे में, और राम जी जो हैं वह तुलसी माँ को अपना क्या मानते हैं, सेवक, दास मतलब क्या होता है, सेवक, तो जो राम जी हैं वह तुलसी माता को क्या मानते हैं, सेवक मानते हैं, तो जो तुलसीदास लिखे हैं वह अपने मतलब कि राम जी के बारे में लिखे हैं, और राम जी क्या है, अपनी तुलसी माता को क्या मानते हैं, अपना दास, मतलब कि वह मतलब कि जो राम जी है ना वह अपने तुलसी माता के लिए मतलब समझते हैं कि हम सेवक हैं तुलसी माता का, ठीक है ना, ये वो समझते हैं। तो यह हो गया 3 नंबर वाला, मेन इसमें है, एकरा में आप लोग पहचान लेंगे ना कि कृष्ण जी के पास क्या है, सुर आ दास, 2 गो चीज़ है, तो जो 2रा नंबर वाला है ना वह हमारा क्या होगा, पद होगा, और 3रा वाला जो होगा वह हमारा क्या होगा, तुलसीदास होगा, पूरा बढ़िया से याद हो रहा होगा। अब आइए 4था में क्या है, चौथा में हमारा छपय है, क्या है, छपय, और छपय यहाँ पर क्या है, नाभादास, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, आइए देखिए, छपय मतलब क्या है, कौन चीज़ छपवाना है हमनी के, छपय मतलब हमनी के कोनो चीज़ छपवाए के बा, तो छपवाए के बा तो हमनी के कोनो लाभ हुई तबे ना कोई छपवाई में जा, छपवाए मतलब क्या, कि हमनी के कोनो चीज़ लाभ हुई तबे ना हमनी छपवावल जाए, तो छपवाए कोनो चीज़ लेके जाए जा तो हमनी क्या कहें जा, दास के लेके जाए जा, सेवक के, कि हाँ तू हो चल का कौन सा लावे को ना, जब छपाई तो लावे को हुई, आ कोनो चीज़ हमनी छपवावल जाए तो वो लाभ हुई तबे ना, तो लाभ मतलब क्या, नाभ, लाभ यानी नाभ, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ओकर बाद देखिए आइए क्या, 5 नंबर कविता। अब मान लीजिए आप लोग स्कूल में जब हमनी को पढ़ते रहें 2रा 3रा 4था में, तो टीचर लोग कहते रहें कि तू खड़ा हो कविता बोल, तो हमने क्या करते, कविता बोले से पहले क्या करते हैं कि आपन हमने के इंट्रोडक्शन देते रहें, जब परिचय देते रहें जा कि मैं पुरुषोत्तम कुमार ये वो, तो हमने क्या करते हैं, कविता हमने को बोले से पहले इंट्रोडक्शन देते रहें, मतलब भाषण देते रहें जा, कविता बोले से पहले क्या देते रहें जा, भाषण देते रहें जा। तो वही पर यहाँ पर है कि जब कविता मतलब कोई बोलेगा तो सबसे पहले क्या देगा, भाषण देगा, भाषण मतलब क्या, भूषण, ठीक है ना, भाषण मतलब क्या, भूषण, आप लोग समझ सकते हैं।
छः नंबर में क्या है, तू मूल कोलाहल कलह में, जय शंकर प्रसाद। अब बताइए जहाँ शंकर जी का प्रसाद मिलेगा वहाँ हाला गुला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जहाँ शंकर जी का प्रसाद मिलेगा, जहाँ शंकर जी का प्रसाद मिलेगा वहाँ तो एकदम बिल्कुल फिक्स है। कोलाहल मतलब क्या है, वहाँ हल्ला गुला, कोलाहल मत समझिए क्या हल्ला गुला होबे करेगा, वहाँ कलह होबे करेगा। वो कहेगा कि हमारा कहते, वो कहेगा कि हमारा कहते, तो हल्ला गुला तो होबे करेगा। तो ये आपका सिक्स नंबर भी याद हो गया। अब आइए पुत्र वियोग। अब देखिए आप लोग महाभारत देखे होंगे, सुभद्रा का जो बेटा था अभिमन्यु, वह जब मारा गया था तो सुभद्रा किस में थी, पुत्र वियोग में, कि बेचारा मेरा पुत्र मारा गया युद्ध में। तो सुभद्रा जी का जो बेटा था अभिमन्यु, वह क्या था, युद्ध में मारा गया था। तो सुभद्रा क्या थी, पुत्र वियोग में थी। तो यहाँ से देखिए पुत्र वियोग मतलब क्या, सुभद्रा, याद हो गया होगा कि पुत्र वियोग किसका था, सुभद्रा का। काहे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में उनका बेटा मारा गया था। अब यहाँ एक है उषा। देखिए उषा का होला ना कि जब सूर्य की किरणें, मतलब जब सूर्य निकलते हैं, जब उनका क्या होता है, जब सूर्य का लाली दिखाई देता है, तो उस अवस्था को हमें क्या बोलते हैं, उषा। तो जब सूर्य का लाली निकलता है, जब सूर्य लाल दिखते हैं, तो उस टाइम जो सिर होता है वह अपने आप को क्या समझने लगता है कि हम बहादुर हैं। रात को तो उसको दिखाई देगा नहीं, ठीक है ना, तो रात को दिखाई ना दी तो क्या हो जाए, बेचारा वो डर के मारे कहीं दुबक के बैठ जाए। लेकिन जेब ही क्या होगी, जब सूर्य के लाली निकले लगी, तो सूर्य के लाली निकली, तो शेर अपने आप को क्या समझ लगेगा कि हम बहादुर हैं। शेर क्या समझेगा कि हम क्या हैं, बहादुर हैं। तो वही उषा मतलब क्या कि शमशेर बहादुर। उषा यानी जब सूर्य की लाली दिखने लगेगा तो शेर अपना क्या समझ लगी, बहादुर समझे लगी। तो आठ नंबर भी याद हो गया। अब आइए जन जन का चेहरा एक, ठीक है ना, जन जन का चेहरा एक क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। और देखिए सब जन जन का चेहरा मतलब क्या, सब कोई के चेहरा पे क्या रहेला, सब कोई के चेहरा पे एक ही मुस्कान रहेला, एक ही चीज़ रहेला कि हमारा शंकर सॉरी गजानन मतलब कि गणेश भगवान के दर्शन हो जाए, ठीक है ना, तो हमारा मुक्ति मिल जाए। सब कोई क्या सोचेला कि हमनी के जन जन का चेहरा एक, सब कोई के चेहरा पे एक रहेला कि हमारा मतलब गजानन यानी गणेश भगवान के हमारे दर्शन हो जाए तो हमारा क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो गजानन माधव मुक्ति बोध जन जन के चेहरा पे होगा। अब यहाँ क्या है, अधिनायक। अब आप एक नायक मूवी देखे हैं, नायक मूवी अनिल कपूर का, उसमें क्या होता है, वह बहुत हिम्मत वाला रहता है और गरीबों का करता है, सेवा करता है। तो यहाँ देखिए जो नायक रहते हैं, ठीक है ना, जो नायक रहिए सन वो क्या करिए सन, वो वीर भी हुई सन, ठीक है ना, वीर भी हुई सन और बहुत सारे गरीब को क्या करिए सन, सहायक मतलब कि वो हेल्प भी करिए सन। तो यहाँ से देखिए दस नंबर में नायक यानी जो नायक होगा, जो हीरो होगा फिल्म का, वह बहादुर भी होना चाहिए और गरीबों का मसीहा भी होके के चाहिए, ठीक है ना, गरीबों के मसीहा भी के चाहिए। तो यहां से देखिए अधिनायक यानी वीर, ठीक है ना, वीर भी होके चाहिए और सहायक भी होके के चाहिए। यह भी आप लोगों का 12 सॉरी 10 नंबर याद हो गया। अब यहां आइए 11 नंबर, 11 में क्या है, प्यारे नन्हे बेटो को, ठीक है ना, ये पाठ का नाम है। इसका जो लेखक है क्या है, विनोद कुमार शुक्ल। और देखिए शुक्ला जी का एगो बेटा है विनोद, जो कि बहुत ही छोटा है, प्यारा है, नन्हा है। तो यही ऐसा याद हो गया कि प्यारे नन्हे बेटों को, मतलब कि शुक्ला जी का एगो बेटा है विनोद नाम का, जो कि बहुत ही प्यारा है, नन्हा है, मतलब बहुत सुंदर है। ओकर बताइए 12 नंबर हार जीत। देखिए नामे में हार, अब कोनो हार जाएगा कहीं पर तो क्या होगा, उदास हो जाएगा, मतलब शोक मनाने लगेगा कि हम हार गए। तो हार यानी क्या, यहाँ क्या हो गया, शोक, ठीक है। यहाँ दिखा है ई अमरीका बा जीत। अब देखिए सेंट्रल का आज तक चुनाव देखें, कभी बीजेपी हारा है, अभी तक जीतते आ रहा है। तो देखिए वाजपेयी मतलब क्या, बीजेपी, वाजपेयी मतलब क्या, बीजेपी। तो हार में क्या होगा, शोक होगा, लेकिन जीत किसका हुआ है, बीजेपी का, बीजेपी मतलब क्या, वाजपेयी। तो यहाँ से आप लोग क्या हो गया, वाजपेयी हमने के याद हो गई। अब ओकर बताइए 13 नंबर में गाँव का घर, ठीक है ना, गाँव का घर। अब गाँव में जो घर रहता है ओकरा में क्या करते हैं, जो पति आएंगे घर में, मतलब पति जो आएंगे शाम को घर में, तो अपना ज्ञान देंगे कि ऐसे करो वैसे करो, दिन भर तो बाहरी ज्ञान देंगे गांव में, लेकिन जब शाम होगा तो घर में आके ज्ञान देंगे। तो यहाँ देखिए गांव का घर मतलब पति क्या करेंगे, ज्ञान देंगे, पति गांव में भी ज्ञान देंगे और घर में भी आके ज्ञान देंगे। तो यहाँ से आपका पूरा याद हो गया,
पदखंड आपका पूरा समझिए कि अब याद हो जाना चाहिए। आप लोग वीडियो एक बार और ही देख लीजिएगा, पूरा आप लोगों को बढ़िया समझिए कि याद हो जाएगा। और यह ट्रिक कैसा लगा बताइएगा, यह आपका पदखंड के लिए, ठीक है ना। अब की बार गदखंड के लिए हम लेकर आएंगे, तो यह ट्रिक आप लोग कैसा लगा बताइएगा। और जहाँ तक हमें विश्वास है कि एग्जाम का कितना भी प्रेशर होगा आप नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके गद खंड में। जय हिंद।